नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सर्दियों की छुट्टी से पहले होगा शिक्षकों का तबादला। तबादले के लिए 10 विकल्प देंगे शिक्षक। सहकारिता मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। किसानों को सोलर रूफ टॉप देने की है तैयारी। त्योहारों के मद्देनजर 200 ट्रेनों का संचालन। बिहार आने वाले प्रवासी को मिलेंगे कन्फर्म टिकट। किशनगंज से 16 शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त। सीटेट में 60% अंक लाने में सफल नहीं हो पाए थे शिक्षक। आगामी IPL में धोनी खेलेंगे या नहीं, CSK के CEO ने की पुष्टि। बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का तबादला सर्दियों की छुट्टी से पहले किया जाएगा, जिसे दिसंबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि शिक्षकों को नई वेबसाइट पर आवेदन करना होगा और उन्हें 10 विकल्प देने होंगे। विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी, जिससे सुधार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगले साल जून तक विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होंगी। सरकार हर शिक्षक और बच्चे की ट्रैकिंग करेगी, जिससे उनकी प्रगति पर नजर रखी जा सके। प्रत्येक विद्यालय में परीक्षा के टॉपरों का नाम घोषित होगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और हर महीने एक शिक्षक को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है, ताकि वे बेहतर शिक्षण कर सकें। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग के कार्यों की समीक्षा की और PM कुसुम योजना के तहत पैक्सों के माध्यम से किसानों को सोलर रूफटॉप प्रदान करने की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च और उच्च विद्यालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया और ऋण की समीक्षा कर बकाया राशि की वसूली के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाया जा रहा है, जिसमें MSP पर धान खरीद की जाएगी। पैक्सों के जरिए सस्ती दवाएं, बीज और खाद कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से जन औषधि केंद्र और पेट्रोल आउटलेट भी पैक्सों को दिए जा रहे हैं। छठ पूजा के दौरान पटना के गंगा नदी में सुरक्षा के लिए 312 गोताखोर तैनात रहेंगे, जबकि NDRF की टीम भी मौजूद रहेगी। कुल 200 जवान 109 घाटों पर गश्ती करेंगे। निजी नावों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा और केवल सरकारी सूची में शामिल नावों को चलाने की अनुमति होगी। घाटों पर 50 एम्बुलेंस और 300 वाच टावर स्थापित किए जाएंगे। जलस्तर अधिक होने के कारण कुछ घाट खतरनाक घोषित किए गए हैं, जैसे LCT घाट और राजापुर पुल घाट। वहीं कुछ घाटों जैसे TN बैनर्जी घाट और मिश्री घाट का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जलस्तर कम है। संपर्क पथ की समस्याओं के कारण कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट पर अभी भी स्थिति अस्पष्ट नहीं है। मधुमक्खी का डंक अब केवल दर्द नहीं, बल्कि मधुमक्खी पालकों के लिए लाभ का जरिया बनेगा। सहकारिता विभाग ने मधुमक्खी के डंक से औषधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेषज्ञों का एक दल दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु जाएगा, ताकि वहां की प्रक्रियाओं को समझा जा सके। मधुमक्खी के डंक से कैंसर और गठिया जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी औषधि बनाई जा सकती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बहुत है। इसके अलावा मधुमक्खी पालकों का संघ भी बनाया जाएगा, जो शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए संसाधन उपलब्ध करवाएंगे। बिहार के 20 जिलों में 200 प्रखंडों में समितियों का गठन हो चुका है, जिससे शहद व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। दिवाली और छठ के दौरान बिहार लौटने वाले लोगों को ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। इस समस्या का समाधान करते हुए उत्तर रेलवे ने 200 ट्रेनों का विशेष परिचालन शुरू किया है, जिसमें 11 जोड़ी ट्रेनें मुजफ्फरपुर के रास्ते चलेंगी। इन ट्रेनों का संचालन 7 नवंबर तक 13 दिनों के लिए किया जाएगा। नई दिल्ली, आनंद विहार, गोंडा, गोरखपुर जैसे स्टेशनों से बिहार के विभिन्न जंक्शन जैसे पटना, दरभंगा और मधुबनी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 65 अधिक फेरा लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी। साथ ही प्रवासी लोग दिवाली और छठ के त्यौहार का आनंद अपने परिवार के साथ ले पाएंगे। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव बिहार के कई जिलों में देखा गया है, जिससे बारिश हुई और ठंड पर ही है। बारिश ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सुबह 9 बजे पटना का AQI 88 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इसी तरह औरंगाबाद का AQI 70, भागलपुर का 64 और बक्सर का 49 रहा, तो सभी अच्छी श्रेणी में है।
बेतिया में AQI 67, गया में 56 और हाजीपुर में 54 दर्ज किया गया है। कटिहार में AQI 43 और किशनगंज में 32 है, जो अच्छी श्रेणी में आते हैं। मोतिहारी में AQI 54 रहा, जिससे वहां की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। बिहार के बांका में कृषि विभाग ने एक नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है। बांका ढाका मोड़ मुख्य मार्ग पर स्थित इस फैक्ट्री में 1 से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकली दवा बरामद की गई है। जांचकर्ता रंजीत कुमार ने जिला कृषि पदाधिकारी से शिकायत की थी, जिसके बाद DO दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। फैक्ट्री से करीब 6,050 पैकेट नकली दवा, 5,500 खाली रैपर, 85 किलो रसायन और पैकिंग मशीन जब्त किए हैं। संचालक कुंज बिहारी शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दुधारी चौक पर एक दुकान पर भी छापेमारी कर नकली दवा बरामद की गई है। इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई जारी है। डिजिटल युग में पूर्णिया ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यहाँ के उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए स्मार्ट क्लास उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो छात्र बाहर जाकर तैयारी नहीं कर पा रहे, वे इन लाइव उन्नयन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जो अन्य जिलों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस पहल की शुरुआत 2014 में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने की थी और अब ये बिहार के लिए एक मॉडल बन रहा है। मंत्री विजय चौधरी ने इस केंद्र का दौरा भी किया और बताया कि YouTube पर उपलब्ध क्लासेस से अन्य जिलों के छात्र भी लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है और कृषि कार्य में ड्रोन के उपयोग जैसी नई तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है। किशनगंज जिले में 16 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन के अनुसार ये सभी शिक्षक बिहार के बाहर के निवासी थे और उनके सेवा समाप्ति का मुख्य कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त नहीं कर पाना था। CTET के नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये अंक अनिवार्य है। हालांकि बिहार के रहने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। ये शिक्षक दूसरे राज्य के थे, जिस वजह से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला और उन्हें सामान्य वर्ग में रखा गया। DEO ने बताया कि विभागीय निर्देशों के तहत कार्रवाई की गई है। शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद भी शिक्षकों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनकी सेवा समाप्त की गई। हिंदू धर्म में एकादशी को पुण्य की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी की काफ़ी मान्यता के कारण धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये दिन आत्मशुद्धि और धार्मिक साधना के लिए उत्तम होता है। धार्मिक कथाओं से मिली जानकारी के मुताबिक इस दिन श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायक होता है। माना जाता है कि इस दिन विष्णु सहस्र नाम का पवित्र पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु की आराधना करना आत्मशुद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति में सहायक है। तुलसी की पूजा और पंचामृत स्नान से भी लाभ होता है। इस दिन बाल कटवाना, चावल और साबूदाना का सेवन और सिम्बी का सेवन वर्जित है। आंवले के रस से स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। हमारे द्वारा बताई गई बातें धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक थी। सटीक जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। शनिवार को सांसद पप्पू यादव की मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पूर्णिया के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ तस्वीर शेयर की थी और लिखा था कि मां ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे उन्हें खोने का साहस नहीं रख सकते। उन्होंने सभी से प्रार्थना करने की अपील की। पप्पू यादव 1 महीने पहले अपने पिता चंद्र नारायण यादव को खो चुके हैं, जिनका एम्स में पटना में निधन हुआ था। हाल ही में वे मुंबई से लौटे हैं, जहां उन्होंने दिवंगत NCP नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जुसान से मिलकर संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग की। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को 12 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। तेजस्वी के वकील द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसका कारण नीरज कुमार द्वारा तेजस्वी पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाना है। उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। नोटिस में तेजस्वी के वकील ने कहा कि नीरज के आरोप निराधार हैं और उन्होंने जानबूझकर तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस मामले पर जदयू का जवाब भी सामने आया है। इस पर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि वे इतने पैसे नहीं जोड़ सकते। उन्होंने तेजस्वी के चुनावी हलफनामे का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, जब वे विधायक नहीं थे।
तब उनकी मासिक आय 42,395 रुपए थी, जबकि विधायक बनने के बाद ये कैसे 11,812 रुपए 50 पैसे हो गई। नीरज ने कहा कि वे नोटिस से डरने वाले नहीं और आरोपों का सामना करेंगे। पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे मोहम्मद ओसामा ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की सदस्यता ग्रहण की है। ये कार्यक्रम पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर हुआ, जहां राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव में बेरोजगारी और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात कही है। ओसामा की राजनीति में आने की अटकलें लंबे समय से चल रही थी। साहबुद्दीन परिवार का राजद से गहरा संबंध रहा है और माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से सिवान में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि अच्छी बात है, जिसको मन करे उसको शामिल कर लें। ईडी ने शनिवार को पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस से आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ कर रही है। इस मामले में करीब 5 घंटे तक पूछताछ चली। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए, जहां उनके धन स्रोत, संपत्ति के सौदे और एक दूसरे के संबंधों पर सवाल भी पूछे गए। संजीव हंस ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया, खासकर एक महिला वकील को 2.44 करोड़ रुपए की संपत्ति देने के कारण के बारे में। इस मामले में ठेकेदार प्रवीण चौधरी, बिचौलिया सादाब खान और कारोबारी पुष्पराज बजाज को अदालत ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। गुलाब यादव से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए, जैसे 58 लाख रुपए का लेन देन और पत्नी के सीएनजी पेट्रोल पंप की खरीद के स्रोत आदि के बारे में। धोनी आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, इससे लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही थी। अब एमएस धोनी आईपीएल के आगामी सीजन में खेलेंगे, इस बात की पुष्टि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ कासिर विश्वनाथन ने की है। उन्होंने कहा कि जब धोनी तैयार हैं तो हमें और क्या चाहिए। धोनी ने हाल ही में कहा था कि वे अपने करियर के शेष वर्षों में क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं। सीएसके धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल करेगी। धोनी और सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन के बीच जल्द ही बातचीत होगी, जिसमें रिटेंशन लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ और मथीसा पथिराना को रिटेन किया जा सकता है। इसके अलावा धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव में जागरूकता कार्यक्रम स्विप का हिस्सा बनाया गया है, जिससे वे वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर, पंकज कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, रामबाबू दास, पद्माकर चौधरी, अभिषेक कुमार, मोहम्मद असलम, राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मनोज कुमार, रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, धोनी इस बार आईपीएल मैच में धूम मचाते नजर आएंगे, बढ़ती उम्र को देखते हुए क्या धोनी का आईपीएल खेलना कितना सही होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।